मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा बिजली की समस्या को लेकर 19 जुलाई को पूरे विंध्य में हुंकार भरी जाएगी। उन्होंने कहा विंध्य इलाका इस समय बिजली के संकट से जूझ रहा है। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने बिजली की समस्या के मद्देनजर किसानों और ग्रामीण जनों के लिए 19 जुलाई को पूरे विंध्य से एक साथ हुंकार भरने का ऐलान किया है। विधायक त्रिपाठी ने कहा है कि वे स्वयं जबलपुर स्थित एमटी कार्यालय में कोविड नियमों का पालन करते हुए घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि विंध्य के एक एक क्षेत्र में मौजूद अधिकारियों के कार्यालयों का घेराव कर बिजली की समस्या के निराकरण की बात की जाएगी। विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि आज चाहे बात घरेलू कनेक्शन की हो या किसान भाइयों द्वारा उपयोग की जाने वाली बिजली की बात हो, आम जन विकट दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 10 घंटे किसानों को व 24 घंटे घरेलू विद्युत दिए जाने की घोषणा तो कर रखी है, लेकिन धरातल की कहानी कुछ और ही है। परंतु जो हमारा किसान है बिंद का, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रताड़ित है, पीड़ित है। बिजली है नहीं, खंबे है नहीं, ट्रांसफार्मर है नहीं, केबल है नहीं, एबी स्विच है नहीं कि किसान और घरेलू कनेक्शन को अलग अलग किया जा सके। सरकार की तरफ से 10 घंटे की घोषणा तो है, पर किसानों को नहीं मिल रही एक घंटा भी। कहीं एक घंटा, कहीं दो घंटा, कहीं कटौती हो गई तो 3 दिन बाद बिजली आती है। ऐसी स्थिति को देखते हुए 19 जुलाई को हम पूरे बिजली मुख्यालय जो विंध्य क्षेत्र के हैं उन सभी जगहों पर, आप यदि किसान लोग पीड़ित हैं तो 19 तारीख को आप लोग तैयारी करके सभी बिजली मुख्यालय पर कोविड नियमों का पालन करते हुए, घेराव करते हुए, प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन अवश्य सौंपे। और इसी संबंध में 19 जुलाई को मैं एमडी कार्यालय जबलपुर स्वयं में उपस्थित होकर ये ज्ञापन सौंपूंगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।